नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत करें और उनसे जाने हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। हेलो मैडम जी, क्या नाम है आपका? बिमला जी। कहाँ से आई हैं आप? सीतामढ़ी से। तो कितने समय हो गया आपको यहाँ आते हुए? हो गया 20 साल। तो इतने सालों में क्या आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ? किसी के साथ आपने कुछ गलत होते देखा? ना। आपने ये जो वर्दी पहनी हुई है, किसकी वर्दी है ये? पिताजी। मतलब क्या काम करते हो आप लोग? हम लंगर बनावा बैठे, सप्लाई का काम करूँ मैं तो। लंगर डोऊँ, चाय लाऊँ, दाल लाऊँ। अच्छा, कितना समय हो गया आपको यहाँ आते हुए? 20-25 साल हो गए। क्या आप अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं? कभी किसी को गलत देखा कुछ यहाँ पे गलत हुआ? कुछ नहीं देखा। बेटे गुरु जी पे आज भी विश्वास है आपको? इतना कुछ मीडिया में आ गया फिर भी? पूरा विश्वास है हमने तो गुरु जी पा। गुरु जी के हमारा तड़पते फिर रहे, जो हमारा गुरु जी आ जाए तोड़ कर का। आपको क्या लगता है, गुरु जी आ जाएंगे समाज में वापस? हाँ, गुरु जी समाज में आ जाएंगे वापस? हाँ जी। तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? बढ़िया पड़ेगा। हम तो सवेरे से हम जो बिनती लावा जीत भी नहीं हुआ, हाँ भाई सबसे ज़्यादा जीत गुरु जी की हो गई। आप जी का जो कवा ने डंका बजे वो डंका साहत नहीं आना बजेगा, हम तो यही बोलते हैं। तो जो लोग डेरे में नहीं आए, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे डेरे के बारे में? बस जी, हम तो किसी की सुनते नहीं, जीते जीते कहना हम तो नहीं कहा जाने, जो कोई गाड़ी भी देखो मारता हम तो उनकी गाड़ी भी सुन लें, हम तो किसी के साथ ज़्यादा वही नहीं करते जल्दबाजी। वो लोग जो बहुत सालों से डेरा में आ रहे हैं, यहीं पर ये लोग सेवा करते हैं, तो इनके विचारों को आपने सुना। अब अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट टाइम। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।